हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अश्मिति कुक फैन फिक्शन सीक्रेट पर्सिव हस्बैंड का पार्ट 8 स्टार्ट करने वाले हूँ। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। जंगकुक डोर को ओपन करने के बाद देखता है वहाँ पर उसके आंटी, उसके कजिन सिस्टर और उसके साथ ताओंग की वही कजिन बदर भी था, जो सब लोग बहुत ही ज़्यादा गुस्से से जंगकुक की तरफ ही देख रहा था। तब जंगकुक जल्दी से डोर बंद करने की कोशिश करता है, पर उसके पहले ताओंग की कजिन बदर डोर को पकड़ लेता है और उस सब लोग फोर्सफुली घर के अंदर आ जाता है। तब जंगकुक डरते हुए कहते हैं, तुम सब लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? यहाँ से अभी बाहर चले जाओ, नहीं तो मैं ताओंग को बुलाऊंगी। तब ये सुनने के बाद जंगकुक की कजिन सिस्टर कहते हैं, देखिए मॉम, अब इस ब्रैट को भी बोलना आ गया है। तब ये सुनने के बाद ताओंग की कजिन्स और मिसेस जियोन जो दोनों ही हंसने लगता है। तब ताओंग की कजिन जंगकुक के करीब जाने लगता है। तब जंगकुक जो डरते हुए पीछे की तरफ जाने लगता है, तब वो जंगकुक के हाथ को पकड़ते हुए उसके स्टमक पर अपने हाथ ले जाता है और कहता है, वाओ, तुम बहुत ही अच्छा क्या हो, पर तुम जानते हो इस जगह पर मुझे रहने की हक है, तो फिर तुम्हें इस जगह को छोड़ना होगा, क्योंकि तुम जानते भी नहीं हो मैं ताओंग के लिए कितनी ज़्यादा क्रेजी हूँ। तब जंगकुक तुरंत उसके हाथ को खुद के स्टमक के ऊपर से हटाने की कोशिश करता है। तब जंगकुक को कहता है, क्यों इतनी ज़्यादा बेसब्री से क्यों मेरे हाथ को छुटाने की कोशिश कर रहे हो? तब जंगकुक डरते हुए कहता है, बस यहाँ से चले जाओ, अगर ताओंग तुम लोगों को देखेगा तो फिर तुम लोगों को नहीं छोड़ेगा। तब मिसेस जियोन कहते हैं, जंगकुक बेबी, तुम ज़्यादा बातें करने नहीं लगे हो, तुम्हें ज़्यादा बातें नहीं करना चाहिए। तब जंगकुक जो डरते हुए कहते हैं, प्लीज़ आंटी यहाँ से चले जाइए, ताओंग कुछ देर के अंदर ही आ जाएगा। तब ताओंग की कजिन कहते हैं, फिक्र मत करो, मैं पूरी तरह से फुल प्लान के साथ आई हूँ, ताओंग इतनी जल्दी नहीं आ पाएगा, मेरे आदमी उसे वहाँ पर बिजी रखेगा। तब ये सुनने के बाद जंगकुक और भी ज़्यादा डर जाता है और पूछता है, तुम लोग चाहते क्या हो? तुम सब लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम सब लोग एक दूसरे को नहीं जानते हो? तब ताओंग की कज़िन कहता है, ओ रियली, पर मुझे तुम्हारे बारे में जानना था, और देखो मुझे दो इंसान मिला है जो बहुत ज़्यादा अच्छा है और मुझे हेल्प करने के लिए राजी हो गया है, ताओंग के रास्ते से तुम्हें निकालने के लिए और स्पेशलिस्ट ब्रैट को। और ये कहने के बाद जंगकुक के स्टमक को थोड़ा ज़्यादा ही टाइटली ग्रैब कर लेता है। तब जंगकुक को पेन फील होने लगता है और उसके आँख से आंसू गिरने लगता है और वो अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है, प्लीज़ ऐसा मत करो। तब जंगकुक की आंटी कहते हैं, पर क्यों नहीं करेगा, मुझे बोलो, तुम कोई भी हैप्पीनेस डिजर्व नहीं करते हो जंगकुक। तब जंगकुक कहते हैं, मुझे पता है, पर प्लीज़ उसे कुछ भी मत करना, मैं उसे खोना नहीं चाहती हूँ, प्लीज़ आप लोग जो कहेंगे मैं वो करूँगी, पर प्लीज़ हमारी बेबी को कुछ भी मत करना। तब दे योंग कहते हैं, क्यों नहीं करेंगे हम लोग ज़रूर करेंगे, जो मेरा था वो सब कुछ तुम मुझसे छीन लिया हो, और उसके बाद भी तुम्हें लगता भी है कि मैं इस बेबी को जिंदा भी रहने दूंगी, तुम्हारी वजह से मैं कभी भी ताओंग को अब नहीं पा सकती हूँ, ताओंग मुझे अब तुम्हारी वजह से बिल्कुल भी देखता भी नहीं है, और तुम जो उसके बेबी को लेकर घूम रहे हो, तुम्हें क्या लगता भी है मैं तुम्हें सेफ भी रहने दूंगी और इस ब्रैट को भी जिंदा रहने दूंगी जो शायद अब मेरी स्टमक में बड़ा होता अगर तुम मेरी ताओंग की लाइफ में नहीं आते। और ये कहने के बाद उस जंगकुक को पीछे की तरफ पुश कर देता है, जिस वजह से जंगकुक फ्लोर पर गिर जाता है और उसे अपने बैक में बहुत ज़्यादा पेन फील होने लगता है, पर वो अभी भी अपने स्टमक को सेफली पकड़ कर रखा था। तब जंगकुक उठने की कोशिश करता है, पर देहोंग जंगकुक के स्टमक पर बहुत ज़ोर से किक करता है। तब जंगकुक को अपने स्टमक में बहुत ही ज़्यादा पेन फील होने लगता है और जंगकुक हेवीली ब्रीथ लेते हुए अपने आंसू भरी आइस के साथ कहते हैं, प्लीज़ और मत करना, वो मर जाएगा, प्लीज़। तब उसके बाद भी कोई उसकी बात को नहीं सुनता है और सब लोग जो हंसने लगता है। तब दे योंग कहते हैं, देखिए एक कितने ज़्यादा वीक पर्सन है जो सिर्फ मेरी एक किक को संभाल नहीं पाया है, सच में मुझे उसकी तरफ देख कर भी दया होने लगा है। तब मिसेस जोन कहते हैं, मैं भी उसे केक मारना चाहती हूँ। तब दी योंग कहते हैं, वेट, अब मर सकते हैं, मैं मना नहीं किया हूँ, पर उससे पहले सच भी तो पता लगना चाहिए, क्योंकि मैं जानती हूँ वो अब तक बेचारा सच भी नहीं जानता है, तुम क्या जानते भी हो ये सब कुछ मेरा और ताओंग का प्लान है, क्योंकि हम दोनों तुम्हें हमारी लाइफ से हटाना चाहते हैं। तब
जंगू के सुनने के बाद उसकी बातों पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करता है और कहता है, मैं तुम्हारी बातों पर ट्रस्ट नहीं करती हो, तुम जो भी कुछ कह रहे हो ये सब कुछ सिर्फ झूठ है, तांग ऐसा नहीं कर सकता है। तब देहोंग जो स्मार्ट करके कहता है, देखो तुम कितनी ज़्यादा उसके प्यार में अंधे हो गए हो, पर तांग सच में मुझसे प्यार करता है, तुम देख सकते हो तांग ने मुझे रिंग भी गिफ्ट किया है, वो भी कुछ मंथ पहले ही, और उसने मुझे प्रपोज भी किया है। और देहोंग ये कहकर अपने फिंगर में रिंग को दिखाता है। तब जंगू के देखने के बाद उसके आइज से और भी ज़्यादा आंसू गिरने लगते हैं, पर वो टस्ट नहीं कर पा रहा था। तब देहोंग उसके और तांग की पिक भी दिखाता है जब तांग उसे प्रपोज किया था। तब जंगू के देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा ब्रोकन फील करने लगता है कि तांग उसे धोखा दिया है, उसकी पीठ पीछे धोखा दिया है। तांग भी इस वर्ल्ड के बाकी लोगों की तरह ही है, वो जंगू के साथ नहीं रहना चाहता था, तो फिर उसने ऐसा क्यों किया है? अगर वो सच में देहोंग के साथ रहना चाहती थी तो फिर वो जंगू को बता सकता था, जंगू किसी लिए चला जाता, पर यह सब कुछ क्यों? तब देहोंग कहता है, हम लोग इतने टाइम से एक्टिंग कर रहे थे और मुझे लगता है तुम्हें मारने के पहले कम से कम तुम्हें सच तो बता देना चाहिए। तब जंगू रोते हुए कहता है, तुम झूठ कह रहे हो। तब देहोंग कहता है, तुम सच में पागल हो, तुम्हें क्या लगता भी है मैं मेरी गट से तांग को बिल्कुल भी कंट्रोल कर पाऊंगी? वो खुद अपनी मर्जी से यहाँ पर नहीं आ रहा है, नहीं तो तुम्हें क्या लगता भी है कोई आइसक्रीम और स्ट्रॉबेरी लेने के लिए इतनी ज़्यादा टाइम लगा देगा? तब जंगकुक जब उसके मुँह से आइसक्रीम और स्ट्रॉबेरी के बारे में बातें सुनता है तब उसे ट्रस्ट होने लगता है, क्योंकि जंगकुक तो सिर्फ तांग को ही बोला था और तांग नहीं शायद यह सब कुछ प्लान किया है जंगकुक को मारने के लिए। तब जंगकुक सिर्फ रोने लगता है पर एक भी बातें तक नहीं कहता है, ना तो रिक्वेस्ट भी कर रहा था। तब ये देखने के बाद देहोंग कहते हैं, सच में तुम बोरिंग हो, तुम रिक्वेस्ट क्यों नहीं कर रहे हो? तब जंगकुक कोई भी आंसर नहीं करता है, पर वो अपने स्टमक के अराउंड अपने हाथ को ग्रैप करके अभी भी रो रहा था। तब मिसेस जोन कहते हैं, तुम दोनों बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हो, अब मेरी टर्न है, और वो ये कहकर खुद भी जंगकुक के स्टमक पर किक करता है। तब जंगकुक जो और भी ज़्यादा पेन की वजह से चिल्लाता है। तब जंगकुक की कजिन सिस्टर भी आकर जंगकुक को किक मारता है, तो सब लोग जंगकुक को तब तक किक मार रहा था जब तक जंगकुक की ब्लीडिंग नहीं होने लगता है और जंगकुक पेन को और झेल ना पाते हुए सेंसलेस नहीं हो जाता है। तब देहोंग स्मार्ट करके कहते हैं, अब उसके मरने की बारी आ गया है, अब हम लोगों को यहाँ से जाना चाहिए। तब मिसेस जोन और जंगकुक की सिस्टर दोनों ही हाँ कह देता है और उसके बाद वो सब लोग वहाँ से बाहर चला जाता है। तांग जब आइसक्रीम लेने के बाद जब घर में आता है तब वो देखता है जंगकुक जो फ्लोर पर सेंसलेस होकर पड़ा हुआ था और खुद के ब्लड से ही पूरी तरह से ढका हुआ था। तब तांग ये देखने के बाद ही उसके हाथ से आइसक्रीम और स्ट्रॉबेरी दोनों ही गिर जाता है और तांग जल्दी से जाकर जंगकुक को बारी स्टाइल में अपनी गोद में उठा लेता है और उसे अपने कार में बैठा कर उसे लेकर जल्दी से हॉस्पिटल की तरफ जाने लगता है। तांग हर वक्त रो रहा था, वो समझ नहीं पा रहा था कि यह सब कुछ कब हो गया है। वो सिर्फ कुछ घंटे के लिए ही जंगकुक को छोड़कर चला गया था, पर वो आने के बाद ये सब कुछ हो जाएगा, कभी भी तांग ये एक्सपेक्टेशन भी नहीं किया था। फिर जंगकुक को लेकर तांग जब हॉस्पिटल में पहुंच जाता है तब तांग जो रोते हुए बार बार डॉक्टर को चिल्ला चिल्ला कर बुलाने लगता है। तब डॉक्टर जब जंगकुक की हालत को देखता है तब वो लोग जल्दी से आकर जंगकुक को लेकर ऑपरेशन रूम में चला जाता है। तब तांग जो बार बार रोते हुए डोर की तरफ ही देख रहा था, पूरे आधे घंटे हो गया था, तभी एक नर्स जो बाहर आता है और जल्दी से दौड़ते हुए वहाँ से चला जाता है। तब तांग कॉन्फ्यूज था कि वो क्यों यहाँ से दौड़ते हुए भागकर चला गया है। फिर वो ब्लड बैग लेकर वापस आ जाता है। तब तांग ये देखने के बाद और भी ज़्यादा वीक फील करने लगता है। फिर पूरे दो घंटे बाद डॉक्टर जो एक एक करके बाहर आने लगता है। तब तांग जो जल्दी से डॉक्टर के पास जाकर कहते हैं, डॉक्टर मेरे हस्बैंड कैसा है, वो ठीक है ना, और हमारी सन? तब डॉक्टर तांग की शोल्डर पर अपने हाथ रखकर कहते हैं, मिस्टर किम आई एम सॉरी, हम लोग आपके सन को बसा नहीं पाए हैं, क्योंकि अब जब उसे यहाँ पर लेकर आए थे उसके पहले ही वो अपनी मॉम के स्टमक के अंदर ही मर गया था। तब
तहंग ये सुनने के बाद और भी ज्यादा वीक फील करने लगता है और उसके आई से आंसू गिनने लगता है। ऐसा नहीं था कि तहंग उससे नफरत करता है, और तहंग शायद इससे खुश होगा, पर तहंग बिल्कुल भी खुश नहीं था। वो बहुत ही ज्यादा सैड फील कर रहा था, यही सोचकर कि उन लोग की फर्स्ट सन जो सिर्फ 6 मंथ के ही हुआ था, वो अपने मॉम डैड को भी देख नहीं पाया है और उसकी लाइफ यहाँ पर ही ख़त्म हो गया है। तब तांग डॉक्टर की कॉलर को पकड़ते हैं, उसे पीछे की तरफ पुश कर देता है। तब डॉक्टर जो दीवार के साथ धक्का खाकर उसे बहुत ही ज़्यादा अपने बैक में पेन फील होने लगता है। तब तांग गुस्से में कहते हैं कि तुम लोग कैसे डॉक्टर हो, मेरी सन को बचा नहीं पाए हो, तुम सब लोग क्या क्या कर सकते हो, कुछ भी कर भी सकते हो, तुम सब लोग कुछ भी नहीं कर सकते हो, सिर्फ फालतू की डॉक्टर जो लोग कभी भी कुछ भी नहीं कर पाता है। तब डॉक्टर ये सुनने के बाद तांग को काम डाउन फील करने की कोशिश करता है और उसे कहते हैं मिस्टर किम प्लीज़ शांत हो जाइए, हम लोग कहे थे कि वो यहाँ पर आने के पहले मर गया था, तो फिर हम लोग कैसे बचा सकते हैं। तब तांग गुस्से में कहते हैं मैं इस हॉस्पिटल को ही बंद करा दूँगी और उसके बाद मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी। तब डॉक्टर कहते हैं मिस्टर किम मैं आपकी सन को नहीं मारा हूँ, आप क्यों मेरे ऊपर अपनी गुस्सा निकाल रहे हैं, आपके साथ ऐसा जिसने क्या है उसके साथ आपको ऐसा करना चाहिए, ना कि मेरे साथ, क्या पता कि कौन ऐसा करने की कोशिश क्या है, पर आप मुझे ऐसा बिल्कुल भी ट्रीट नहीं कर सकते हैं, मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं खुद भी आपकी सन को बचाने की कोशिश किया था पर वो ऑलरेडी मर गया था, तो फिर मैं कैसे कर सकती हूँ, आप क्या समझ नहीं सकते हैं, मैं जानती हूँ आपको इसकी दुख है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप ऐसा बिहेव करेंगे, आपके हस्बैंड भी अभी भी भर्ती है, तो फिर प्लीज़ बिहेव कीजिए और ये हॉस्पिटल है। तब तांग जो कुछ कहने ही वाला था, पर उसके पहले ही एक नर्स जो कहते हैं डॉक्टर आप क्या ठीक है, तब तांग उसकी तरफ देखता है, तब तांग उसकी कॉलर को छोड़ देता है क्योंकि उस नर्स के हाथ में तांग और जंगो के 6 मंथ की सन था, जिसके साथ तांग आज सुबह भी बातें किया था और उसे बहुत ही ज़्यादा डांटा था सिर्फ जंगो को किक करने के लिए, और उसके साथ जंगो खुद भी खुश था, पर तांग अपनी लाइफ के सबसे बड़ा रिग्रेट कर रहा था कि उसे तब घर के बाहर नहीं जाना चाहिए था, जंगो की इस विश को पूरा नहीं करना चाहिए था, तब शायद सब कुछ ठीक होता और अब शायद तांग को ये मोमेंट नहीं देखना पड़ता। और तांग जो सोले सोले नर्स के पास जाता है, तब नर्स जो तांग को देखकर अपनी धीमी आवाज में कहते हैं सर आपका ठीक है, तब तांग नर्स को कहते हैं मुझे मेरी सन दो। तब ये सुनने के बाद नर्स कहते हैं सर आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग संभाल लेंगे। तब तांग अपने कोल वॉइस में कहते हैं मैं तुम्हें क्या कहा हो, क्या तुम्हारा सन है कि तुम उसे रखोगे, मैं जानती हूँ कि तुम सब लोग क्या करोगे, उसे डस्टबिन में फेंकने वाले हो ना। तब ये सुनने के बाद नर्स बहुत ही ज़्यादा डर जाता है, तब तांग उसके हाथ से फोर्सफुली अपनी सन को ले लेता है, जिसकी बहुत ही स्मॉल बॉडी था, उसकी फेस और बॉडी शेप ऑलरेडी आ गया था। तब तांग ये देखने के बाद उसकी फेस को बहुत ही प्यार से रब करता है और कहते हैं आई एम सॉरी डैड, सच में बहुत ही ज़्यादा बुरा है, मॉम से ही कहता है मैं एक हार्टलेस इंसान हूँ और मैं शायद खुद ही एक दिन तुम्हें मार डालूंगी, और देखो आज मैं अगर घर में रहती तो फिर कुछ भी नहीं होता, और मैं जब नहीं रहा तब सब कुछ बदल गया, और मैं जानती हूँ इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ, अगर मैं उस टाइम पर तुम दोनों को छोड़कर नहीं जाती तो फिर सब कुछ ठीक होता। और तांग ये कहकर अपने आंसू को पोंछ लेता है। तब डॉक्टर और नर्स जो वहाँ से जल्दी से चला जाता है, तब तांग जो अपने सन को लेकर हॉस्पिटल से बाहर चला जाता है। फिर आफ्टरनून के 3 बजे तांग जो कब्रिस्तान में था, और तांग जो अपने सामने ही अपनी सन की कब्र को ही देख रहा था, जो तांग कुछ मिनट पहले अपने सन को दफनाया था, तब तांग अपने आंसू भरी आइस के साथ अपनी शेकिंग वॉइस में कहते हैं तुम फिक्र मत करना, मॉम भी जल्दी ही तुम्हें यहाँ पर देखने के लिए आएगा, और मॉम डैड तुम्हारे साथ ऑलमोस्ट डे ही मिलने के लिए आएगा, तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी बोर फील नहीं होने देगा, तुम बिल्कुल भी इस बारे में टेंशन मत लेना, डैड अपनी प्रॉमिस को रखेगा। और तांग ये कहकर थोड़ा सा स्माइल करते हैं। फिर तांग इस बार अपनी कोल वॉइस में कहते हैं और मैं उस सारे इंसान को मार डालूंगी जो भी लोग तुम्हें और तुम्हारी मॉम को मारने की कोशिश किया था, मैं ज़रूर बदला लूंगी और मैं उनमें से एक भी इंसान को नहीं छोड़ूंगी जिन लोगों की वजह से
तुम अब हमारे पास नहीं हो। देखना, तुम्हारी डैड ये तुम्हें जरूर प्रूव कर देगा और वो दिन जल्दी आ जाएगा और मैं तुम्हें खुशी की न्यूज़ जल्दी ही दूंगी। और तांग ये कहकर गुस्से से अपने आंसू को पोंछ लेता है। फिर तांग जो एक बार वहाँ पर लास्ट टाइम के लिए अपने सन की कब्र की तरफ देखता है जहाँ पर वो लोग ऑलरेडी तेकुक नीम रखा था। फिर तांग एक छोटा सा स्माइल के साथ कहते हैं अपना ख्याल रखना और तांग ये कहकर वहाँ से चला जाता है। फिर तांग हॉस्पिटल में पहुँचने के बाद तांग जो जंगकुक के रूम के पास चला जाता है और डोर से ही जंगकुक को देखने लगता है जो पीसफुली सो रहा था। उसे ऑक्सीजन मास्क भी लगाया गया था। तब जंगकुक को ऐसे देखकर तांग को और भी ज़्यादा बुरा लगने लगता है। फिर तांग जो डॉक्टर के साथ मिलने के लिए चला जाता है। तब तांग जब वहाँ पर जाता है तब डॉक्टर तांग को देख कर ही घबरा जाता है। तब तांग इस बार अपने काम वॉयस में कहते हैं मेरे हस्बैंड कब तक ठीक होगा। तब डॉक्टर अपनी धीमी आवाज़ में कहते हैं सर हम लोग नहीं जानते हैं, अब जानते हैं उसकी कंडीशनल कितनी ज़्यादा बुरा था। तब तांग कहते हैं मुझे नहीं पता, बस मैं अब उसे ज़िंदा चाहती हूँ और अगर उसे कुछ हो गया तो फिर तुम अपनी फैमिली और अपनी इस हॉस्पिटल की हर एक इंसान को खोने वाले हो और मेरी बातों को बहुत ही अच्छे तरह से अपने कान में ले लो क्योंकि अगर मेरे हस्बैंड को सच में कुछ हो गया तब तुम सब लोग सिर्फ ऐसे रोओगे कि तुम सब लोग सोच भी नहीं सकते हो। और तांग ये कहकर वहाँ से बाहर चला जाता है। तब डॉक्टर और भी ज़्यादा घबरा जाता है। फिर तांग जो अपने गार्ड को कॉल करता है और उसके बाद तांग कहते हैं जाओ और जाकर इसकी पता लगाओ कि कल कौन से ऐसा इंसान था जो मेरे घर में गया था और मैं जब आई उसके पहले कौन बाहर निकला था और मैं इस बारे में जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी जानना चाहते हो। तब तांग की गार्ड हाँ कह देता है। तब तांग जो कॉल को कट कर देता है। फिर तांग जो एक लंबा सांस छोड़ता है और हॉस्पिटल में जंगकुक की रूम में जाकर तांग एक सीट पर बैठकर सिर्फ जंगकुक की तरफ ही देखने लगते हैं। दो दिन बाद जंगकुक जब अपने आइस को ओपन करता है तब जंगकुक आसपास देखने लगता है। तब वो देखता है वो हॉस्पिटल में था। तब जंगकुक को वो सारे बातें याद आ जाते हैं कैसे उसकी आंटी उसकी सिस्टर और तांग की कजिन भी जंगकुक के साथ क्या 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 था ये सब कुछ उसे याद आ जाता है। तब जंगकुक अपनी फेस से सोली सोली ऑक्सीजन मास्क को निकाल देता है और उसके बाद वो बैठने की कोशिश करता है। उसके हाथ में भी कैनोना लगा हुआ था। तब जंगकुक जब उसे हटाने ही वाला था तभी एक नर्स जो रूम में ही था और सब कुछ क्लीन कर रहा था तब वो जब जंगकुक को देखता है तब वो तुरंत कहते हैं सर अब क्या कर रहे हैं। तब जंगकुक उसे अपनी धीमी आवाज़ में कहते हैं मुझे बैठने में हेल्प करो। तब वो नर्स जल्दी से आकर जंगकुक को बैठने में हेल्प करता है। तब जंगकुक जब अपने स्टमक की तरफ देखता है तब वो देखता है ये पहले की तरह नहीं था। तब जंगकुक उस नर्स से पूछता है मेरे साथ क्या क्या हुआ है। तब वो नर्स कहते हैं सर एक मिनट रुकिए मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ और एक कहने के बाद वो नर्स जल्दी से बाहर चला जाता है। कुछ मिनट बाद जंगकुक के रूम में डॉक्टर आ जाता है और डॉक्टर थोड़ा सा स्माइल करके कहते हैं मिसेस किम अब कैसे फील कर रहे हैं। तब जंगकुक उसे कहते हैं जीवन जंगकुक है मेरा नाम। तब डॉक्टर जो हाँ में अपने सिर हिला देता है। फिर डॉक्टर जंगकुक को चेक करता है और कहते हैं अब क्या आप ठीक फील कर रहे हैं, आपको क्या अपने स्टमक में पेन है। तब जंगकुक कहते हैं मैं प्रेग्नेंट थी तो फिर मेरी बेबी कहाँ पर है। तब डॉक्टर जंगकुक को सैड होकर कहते हैं सॉरी पर वो अब इस दुनिया में नहीं रहा है। तब ये सुनने के बाद जंगकुक अपनी इमोशनल लेस फेस के साथ डॉक्टर की तरफ ही देखने लगता है। तब डॉक्टर कहते हैं आई नो आप सैड हैं पर सैड मत होना, नेक्स्ट टाइम आप लोग ट्राई करेंगे। तब जंगकुक अपनी धीमी आवाज़ में कहते हैं मैं कब यहाँ से जा पाऊँगी। तब डॉक्टर कहते हैं आपको और 1 वीक तक यहाँ पर रहना होगा। तब जंगकुक कहते हैं मैं नहीं रह सकती हूँ और मुझे यहाँ पर कौन लेकर आया है। तब डॉक्टर कहते हैं आपके हस्बैंड आपको लेकर आया है। तब जंगकुक के सुनने के बाद शौक था तांग ही उसे मारना चाहता है तो फिर क्या ज़रूरत है तांग को ये एक्टिंग करने की कि वो जंगकुक के लिए फिक्र करता है। फिर जंगकुक और डॉक्टर को कुछ भी नहीं कहता है। तब डॉक्टर
जंगकुक को चेक करने के बाद बाहर चला जाता है। तभी तहंग रूम के अंदर आ जाता है, क्योंकि तहंग वेट ही कर रहा था कि डॉक्टर कब बाहर आएगा। तब जंगकुक जब तहंग को देखता है तब वो अपनी फेस दूसरी तरफ टर्न कर लेता है। तब तहंग सोली जंगकुक के पास जाकर बैठ जाता है और उसके हाथ को पकड़ने की कोशिश करता है, पर जंगकुक अपने हाथ तुरंत ही तहंग के हाथ से छुटा लेता है। तब तहंग अपनी धीमी आवाज में कहता है, मैं जो भी कुछ क्या हो वो सब कुछ गलत था। तब जंगकुक एक सेकंड के लिए तहंग की तरफ देखता है और अपने मन में कहता है, गलत, मुझे मारना चाहते थे, ये क्या गलत था? मैं समझ सकती हूँ तुम भी मुझसे उतनी ही ज़्यादा नफरत करते हो जितना इस वर्ल्ड की हर एक पर्सन करता है, पर मैं कभी भी एक्सपेक्टेशन नहीं किया था कि तुम खुद की ही सन को मारने के लिए इतनी ज़्यादा नीचे जा सकते हो। तो फिर तुम मुझे तभी भी बता सकते थे, मैं तभी भी अबॉर्शन के लिए राजी था, तो फिर अब आकर क्यों मुझे हार्ट किया हो तहंग? तब तहंग जंगकुक को क्या था, मुझे सच में तब उस दिन घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए था, मैं बहुत ज़्यादा डर गया था कि तुम्हें और हमारी सन को कुछ हो जाएगा, पर मैं अकेली हमारी सन के लिए कुछ भी नहीं कर पाई हूँ, पर मैं तुम्हें बिल्कुल भी खो नहीं सकती हूँ जंगकुक, प्लीज़ मेरे साथ बातें करो। तब जंगकुक तहंग की बातों को सुनकर बहुत ज़्यादा शौक था। फिर अपने मन में जंगकुक फिर से कहते हैं, शायद ये भी उसकी एक एक्टिंग है, शायद मैं जिंदा हूँ, इसी वजह से उसे ऐसा लगने लगा है कि अगर मैं किसी को भी बोल दिया तो फिर उसे जेल में जाना पड़ेगा कि वो लोग मुझे मारने की कोशिश किया था। पर फिक्र मत करो, मैं इतनी ज़्यादा सेल्फिश नहीं हूँ, मैं नहीं बताऊँगी। और जंगकुक अपने मन में कहकर तहंग की तरफ देखने लगता है। तब तहंग जंगकुक को कहते हैं, तुम बोल क्यों नहीं रहे हो? तब जंगकुक अपने फेस को टर्न करके बेड पर लेट जाता है और अपने आइस को बंद कर लेता है। तब तहंग जो जंगकुक के साथ बातें करने की फिर से कोशिश करते हैं। तब नर्स कहते हैं, सर आपको जाना होगा। तब तहंग एक लंबा सांस सुनकर जंगकुक के हाथ पर सॉफ्टली किस करता है और वहाँ से बाहर चला जाता है। पर वो अपने सिस में बहुत ही ज़्यादा हेवी सा फील कर रहा था, उसे जंगकुक के साथ बातें करना था, वो जंगकुक के साथ बहुत सारे बातें करना चाहता था पर जंगकुक नहीं करना चाहता है, पर तहंग भी उसे फोर्स नहीं कर सकता है, तहंग उसे टाइम देगा। और तहंग यही सब कुछ सोचकर खुद को काउंसिल करता है कि जंगकुक भी अब सही टाइम से नहीं जा रहा है, वो उन दोनों की सन के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था पर सब कुछ मैस हो गया है, तो फिर जंगकुक को टाइम की ज़रूरत है। और तहंग यही सोचकर खुद को काउंसिल करने लगता है, ओके एवरीवन आज के लिए बस इतना ही,